नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज हम लोग मटेरिया मेडिका पढ़ें, ठीक है। बहुत दिन बाद आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोज आपकी आती रहेगी, ठीक है। तो आज हम लोग मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे। मटेरिया मेडिका का कुछ पहले मटेरिया मेडिका का बेसिक्स देखते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जो कि मटेरिया मेडिका में रेगुलर यूज होते रहते हैं, ठीक है। क्यों, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी से शुरू करते हैं। तो जो मटेरिया मेडिका का जब आप बुक पलटेगा ना, कोई भी बुक, SCLN या कोई बुक पलटिएगा, तो जो कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि एक टर्म आता है हमारा हमेशा कंस्टिट्यूशन, ठीक है, एक टर्म हमारा हमेशा आएगा आप जब भी मटेरिया मेडिका का बुक पलटिएगा, कंस्टिट्यूशन टर्म। तो क्या होता है कंस्टिट्यूशन? तो कंस्टिट्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि जिस भी पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रूव हुआ था हेल्दी पर्सन पे हुआ था, यानी कि कंस्टिट्यूशन से हम क्या करते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं कि जो भी हमारा पेशेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन किसका ऑर्गेनाइजेशन भाई? एक तो हो गया हमारा पेशेंट का ओवरऑल, ठीक है, पेशेंट का ओवरऑल कैसा ओरिएंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्टिट्यूशन है। दूसरा क्या आता है कि जिस भी ग्लैंड से रिलेटेड है, मान लीजिए बॉडी के किसी ऑर्गन से रिलेटेड है, किसी ग्लैंड से रिलेटेड है, तो उस ऑर्गन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो ऑर्गन कैसा दिख रहा है, बात समझ रहे हैं, ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस ऑर्गन या उस बॉडी पार्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है कंस्टिट्यूशन में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा दूसरा चीज आता है, कभी समझ में आ गया, ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि द पर्सन इज थिक फ्लफी, ठीक है, पर्सन मोटा है या पर्सन पतला है, पर्सन काला है या पर्सन का कलर गोरा है, पर्सन का हेयर कैसा है, पर्सन का मसल्स कैसा है, मस्कुलर है या थीन है या लीन है, बस समझ रहे, लंबा है, छोटा है, नाटा है, तो दीज आर कॉल्ड कंस्टिट्यूशन ऑफ द पर्सन, ठीक है, या फिर इसको कंस्टिट्यूशन ऑफ द मेडिसिन भी बोला जाता है कि मेडिसिन कैसे कंस्टिट्यूशन में। तो कंस्टिट्यूशन समझ में आ गया, यानी कि जो मेडिसिन का कंस्टिट्यूशन, यानी कि जो भी पेशेंट को हम देंगे पेशेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, ठीक है। उसके बाद कंस्टिट्यूशन के बाद हमारा दूसरा टर्म आता है मेंटल, उसके बाद आता है फिजिकल जनरल्स, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, यानी कि जो आप पेशेंट को देखे तो पेशेंट आप पे कैसा इंप्रेशन कर रहा है, यानी कि टॉल है, ठीक है, थीन है, ब्लैक है, फेयर है, ठीक है, यानी कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। फिर फिजिकल जनरल के बाद जो थर्ड टर्म आता है हमारा, वो है हमारा मेंटल जनरल, या फिर जिसको हम लोग मेंटल सिम्टम भी बोलते हैं, ठीक है। यानी मेंटल जनरल हमको क्या बताता है, मेंटल जनरल्स हमको उसका यानी कि मेंटल एक्टिविटी को बताता है कि पर्सन कैसे सोचता है, कि जैसे कोई एक सिचुएशन आ गया कि सिचुएशन है कि सामने एक नाला है, ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ आदमी सोचेगा कि हम नाला को जंप कर जाएंगे, कुछ आदमी सोचेगा कि यार नाला है तो इसके ऊपर एक लकड़ी डाल देते हैं ताकि दूसरे को दिक्कत ना हो, तीसरा आदमी सोचेगा नाला है चलो आगे थोड़ा चलते हैं जहाँ पर नाला नहीं है वहाँ से रोड को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो एक ही सिचुएशन में अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह से सोचता है, ठीक है, तो ये उसका क्या कहलाता है, मेंटल जनरल या फिर मेंटल सिम्टम भी कहलाता है, ठीक है, अरे बात समझ में, यानी कि एक सिचुएशन को पर्सन अलग अलग तरह से कैसे सोचते हैं ये उसका मेंटल सिम्टम कहलाता है, ठीक है। जैसे आप कुछ आदमी होता है कि अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा दोस्त बनाता है, कुछ आदमी होता है कि दोस्त नहीं बनाना चाहता है, तो क्या उसका मेंटल सिम्टम्स है, कुछ है जो कि क्या होता है सप्रेसिव नेचर का होता है, दूसरे को सप्रेस कर देता है, कुछ होता है
कि खुद सा प्रेत हो जाता है, ठीक है, कुछ डोमिनेंट होता है, कुछ रिसेसिव होता है, तो ये सब हमारा मेंटल कैरेक्टर होता है, ठीक है। फिर एक फोर्थ टर्म आता है हमारा मॉड्यूलेशन, या फिर जिसको हम लोग मॉड्यूलेशन और मॉडलिटीज भी बोलते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन या मॉडलिटीज। तो मॉड्यूलेशन और मॉडलिटीज क्या होता है? ये होता है कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिजीज, विच अफेक्ट द डिजीज, मॉडलिटी। यानी कि मान लीजिए हमको पैर दर्द है, ठीक है, अब क्या है कि मेरा जो भी डिजीज सिचुएशन है, मेरा जो भी कंडीशन है, वो अगर ठंडा हवा चल रहा है तो वर्स हो जा रहा है, ज़्यादा दर्द हो जा रहा है, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड मॉडलिटी, ठीक है। यानी कि फैक्टर्स विच सपोर्ट और सप्रेस द डिजीज कंडीशन, ठीक है, यानी कि जो फैक्टर या तो डिजीज को बढ़ा देगा या डिजीज को घटा देगा, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? मॉडलिटीज बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारा होता है बीमारी, कि जैसे कि मान लीजिए ब्रानिया का जो पेशेंट होता है उसका जो भी कंडीशन होता है, अगर वॉकिंग कंडीशन में रहता है, अगर चलता है तो उसका कंडीशन वर्स हो जाता है, ठीक है, अगर वो बैठा रहता है उसका कंडीशन सुधरता है। यानी अगर ब्रानिया का पेशेंट है उसको दर्द हो रहा है तो चलेगा तो उसका दर्द बढ़ने लगेगा, और अगर शांति से बैठ जाएगा तो उसका दर्द घट जाएगा, डेट इज कॉल्ड मॉडुलेशन, ठीक है। चलना यहाँ पे क्या है उसका? मॉडुलेशन, उसके मॉडलिटी है उसका, ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो मॉडुलेशन जो होता है ना, दो होता है, एक होता है एग्रावेशन, ठीक है, पहला क्या होता है? एग्रावेशन। दूसरा होता है एमुलरेशन, ठीक है, पहला क्या होता है? एग्रावेशन। दूसरा क्या होता है? एमुलरेशन। एग्रावेशन क्या होता है? द फैक्टर्स विच सपोर्ट द डिजीज कंडीशन, ठीक है, फैक्टर सपोर्ट और इंक्रीज डिजीज कंडीशन, ठीक है, यानी कि जो फैक्टर डिजीज कंडीशन को इफेक्ट करता है, बढ़ा देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रावेशन, ठीक है। एग्रावेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ग्रेटर देन के सिंबल से, ठीक है। एग्रावेशन को कैसे दिखाते हैं? ग्रेटर देन के सिंबल से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम अर्निका का बात करें, ठीक है, अगर हम अर्निका के पेशेंट का बात करें, तो अर्निका का पेशेंट क्या होगा? जब वो रेस्ट करेगा या जब वो सोया रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? एग्रावेट कर जाएगा। जब वाइन लेगा तो एग्रावेट। मान लीजिए अगर ऐसे लिख के यहाँ लिख दिया वाइन, यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर पेशेंट वाइन लेगा तो उसका कंडीशन क्या होगा? एग्रावेट कर जाएगा। उसका डिजीज क्या होगा? एग्रावेट, यानी इंक्रीज कर जाएगा। पैर में दर्द है, अगर आप वाइन लिए तो आपका डिजीज, पैर का दर्द क्या हो जाएगा? एग्रावेट कर जाएगा, तो आप अर्निका के पेशेंट हो गए। बात समझ रहे हैं? एग्रावेशन मतलब क्या हुआ? इंक्रीज करना, ठीक है। तो आप बहुत सारे मेडिसिन के आगे देखेंगे ऐसे ग्रेटर देन का सिंबल मार के 7 PM to 8 PM, यानी कि 7 PM to 8 PM में उसका डिजीज क्या होगा? एग्रावेट करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? एमुलरेशन। ये क्या होता है? फैक्टर सप्रेस द डिजीज कंडीशन, ठीक है, यानी डिजीज कंडीशन को जो फैक्टर सप्रेस कर देगा, घटा देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमुलरेशन। इसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे। अर्निका का एमुलरेशन क्या होता है भाई? कि अगर हम मोशन करेंगे तो अर्निका में क्या होता है? घटेगा। यानी अगर ऐसे लिख दिया, यानी क्या होगा? अगर ये जो भी रिमेडी होगा वो क्या होगा? मोशन के साथ डिक्रीज करेगा। अगर हम मोशन करने लगेंगे तो जैसे हमको सर्दी ज़्यादा हो रहा था तो सर्दी कम होने लगेगा, तो हम अर्निका के पेशेंट हो गए। अगर हम मोशन कर रहे हैं, मेरा पैर में दर्द कम होने लगा, तो हम अर्निका के पेशेंट हो गए, ठीक है। यानी एमुलरेशन क्या होता है? कि फैक्टर्स विच सप्रेस द डिजीज कंडीशन, ठीक है।
इसके बाद फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।